कहते हैं ना, जब बात प्रतिभा की होती है तो उम्र एक संख्या बन जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है ऋषभ महेश्वरी और राघव महेश्वरी ने। राघव और ऋषभ दोनों जुड़वा भाई हैं। एकेडमी से मिली ट्रेनिंग के बाद छात्रों ने जर्मनी में आयोजित हुई जूनियर मेंटल कैलकुलेटर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और जर्मनी में भारत का परचम लहराया है। 6 सालों की मेहनत और 1.5 साल के इंतजार के बाद इस चैंपियनशिप को जीतने का मौका मिला। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों भाई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडोनेशिया में गोल्ड जीत चुके हैं। बच्चों की सफलता से उनके परिवार के लोग खुश हैं, माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। परिजनों के अलावा जिले के लोग भी बच्चों पर नाज और गर्व महसूस कर रहे हैं। हम लोग ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है क्योंकि एक फ्रेंचाइजी है, उसका नाम है टेन सबैकस और यहाँ पर उरई में वो खुला था। एक हम लोग की मैम है, उनका नाम है श्रुति मैम, उनने हम लोग को स्टार्टिंग करवाई थी। फिर एक कोटा में गए, सारे टेन सबैकस की टीम ने हम लोग को सिखाया। और ये जो कॉम्पिटिशन है वो जर्मनी में हेल्ड होता है, जर्मनी में सिटी बेलफील्ड। हम लोग को इस कॉम्पिटिशन में 2nd रैंक मिली है। कितने कंट्रीज ने वहाँ पार्टिसिपेट? हम यहाँ इस कंपटीशन में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में से थोड़े थोड़े लोगों ने को पार्ट लिया था और दुनिया के बेस्ट 90 ह्यूमन कैलकुलेटर को इस कंपटीशन में सेलेक्ट होने का मौका मिला है। ये मतलब कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी में, कितने साल लग गए जब यहाँ तक पहुँचे? हम लोगों ने इसको 2018 में चालू किया था एक मैम से, श्रुति मैम से। 6 साल हो गए हम लोग को करते हुए, तब यहाँ पर आए हैं। मैम ने हम लोग को पहले स्टार्टिंग में अबैकस का बताया, फिर कोटा की टीम से मिलवाया, तब हम लोग की इस कंपटीशन का स्टार्टिंग हुआ था। अभी क्या एज है आपकी? 10 ईयर्स हो। 10 ईयर्स में वुमेन कैलकुलेटर का खिताब मिला, तो कैसा फील करते हैं? मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि हम लोग को ह्यूमन कैलकुलेटर का वो प्राइज मिला है, उसके लिए पूरी टीम को थैंक यू। हम लोग जर्मनी गए थे, उस कंपटीशन का नाम है JRMCWC। कहाँ, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? बहुत सारे देशों ने किया था, more than 20, और उसमें 90 बेस्ट कैलकुलेटर्स को सेलेक्ट किया था पूरे वर्ल्ड से। आपको कौन सा प्राइज मिला? हम लोग को ह्यूमन कैलकुलेटर का प्राइज किया है, सब लोग ने हम लोग को ह्यूमन कैलकुलेटर का प्राइज दिया है। तो प्राइज जीता है, कैसा फील करते हो और लाइफ का गोल क्या, कहाँ तक जाओगे? कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये तो अभी हम लोग के लिए स्टार्टिंग है। हम लोग को ओपन वर्ल्ड कप्स का हम लोग का टारगेट है, उसमें जीतने का टारगेट है। वुमेन कैलकुलेटर का खिताब मिला है, तो कैसा फील कर रहे होगी? बहुत बढ़िया। कोई भी कैलकुलेशन कर लेते हैं मिनटों में, सेकंडों में? सेकंडों में। बच्चों के माता पिता ने बताया कि पिछले 1.5 साल से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बच्चे तैयारी कर रहे थे और एकेडमी से मेल के द्वारा कंफर्मेशन होने के बाद जनवरी में 23 सितंबर को आयोजित हुई जूनियर मेंटल कैलकुलेटर प्रतियोगिता में बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और हर ग्रुप में 30 बच्चे थे, जिसमें जूनियर फर्स्ट से ऋषभ और राघव ने सिल्वर मेडल के साथ ट्रॉफी जीतकर ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब अपने नाम किया है। इन बच्चों के पिता नवनीत महेश्वरी का कहना है कि जब वो बच्चे 4 साल के थे तब ऋतु महेश्वरी जो कि उनकी टीचर हैं, उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। फिर राहुल और अजय सर के जरिए कोटा के ट्रेड अवेकस एकेडमी ने बच्चों के हुनर को परखा, जिसके बाद उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला। 2018 में कोटा की अवेकस एकेडमी से इस मिशन की शुरुआत हो गई थी और फिर ये मिशन बढ़ता ही चला गया। इसके साथ ही पिता ने ये भी कहा कि इस अवार्ड से पहले बच्चों ने कड़ी मेहनत की है और अपने दम पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडोनेशिया में गोल्ड मेडल जीतकर खुद के हुनर का डंका बजाया है। जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जूनियर MCWC 2024 जो कि बेलेफील्ड जर्मनी में हुआ है कंपटीशन, इसमें बच्चों को ह्यूमन कैलकुलेटर के खिताब से नवाजा गया है और इन्होंने सिल्वर ट्रॉफी भी जीती है वहाँ से, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने कंट्रीज ने हिस्सा लिया था? देखिए, लगभग 50 से ज़्यादा देशों की टीम्स वहाँ पर हिस्सा लिए हुए थी और जिसमें से जूनियर वन ग्रुप में ये थे और उसमें लगभग 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था दुनिया भर से। बच्चों की एज क्या है? बच्चों की एज 10 साल है। 10 साल में ये टारगेट अचीव किया है, तो नेक्स्ट गोल क्या? नेक्स्ट गोल तो ये है कि जो भी मेंटल चैंपियनशिप दुनिया भर में मैथमेटिक्स के लिए होती है उन सबको जीतना है, और अगर ये अगली साल जर्मनी में फिर होती है कंपटीशन, तो उसमें अब भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाना ही हमारा अगला लक्ष्य है। तो
तो वहाँ पे गए तो कई और भी कंट्रीज थी, अपने आप को ऐसा फील किया कि नहीं इंडिया से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको बच्चों को कोई फील आया? नहीं नहीं इस तरह का कोई भी इन्फिनिटी फील नहीं हुई, क्योंकि हम इंडिया से हैं और इंडिया दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है, तो हम यही सोच कर गए थे कि हम सबसे आगे हैं दुनिया में और अपना झंडा लहरा के भी आए वहाँ पर। सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सोसाइटी को बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों में जो टैलेंट है उसको आप बाहर आने दें और उनका सपोर्ट करें और खुले दिल से उनको दुनिया के सामने आने दें। बता दें कि विदेशी धरती पर प्रतियोगिता को जीतने के बाद 10 साल के ऋषभ और राघव जब अपने घर लौटे तो ढोल नगाड़ों के साथ उरई के रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया, उनको फूल मालाएं पहनाई गई। वहीं जालौन के जिलाधिकारी राजेश पांडे ने भी होनहार बच्चों को सम्मानित किया। बच्चों की इस जीत पर परिवार के तमाम सदस्य बेहद खुश हैं। वहीं शहर के लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि अब वे यहां से और भी ज्यादा मेहनत करके पूरी दुनिया में तिरंगे का मान और सम्मान ऊंचा रखेंगे। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।